नमस्कार जिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कपिल दुबे, पुराने नोटों और सिक्कों का बायर, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला। दोस्तों मैं पिछले 7 सालों से पुराने नोटों और सिक्कों को खरीदता हूं। अगर आपको भी अपने नोट और सिक्के बेचने हैं तो आप मुझे नोट और सिक्के बेच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, जिन पर आपको अपने पुराने नोट और सिक्कों के फोटो भेजने हैं ताकि मैं आपको वापस उनकी प्राइस बता सकूं। दोस्तों मैं जो इन नोट और सिक्कों की प्राइस है वो नोट और सिक्कों को देखकर ही बताता हूं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ कीमतें भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में नोट और सिक्के हैं तो मैं इस वीडियो में जो कीमत बताऊंगा वही कीमत आपको मिलेगी। दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जहां पर आपको लाखों रुपए में या करोड़ों रुपए में नोट और सिक्के बिकते हैं, ऐसा आपको बताते हैं। तो दोस्तों वो नोट और सिक्के कभी करोड़ों और लाखों में नहीं बिकते। जी हां दोस्तों, बिकते जरूर है लेकिन वो इतनी सारी कीमत में नहीं बिकते हैं। तो क्या कीमत आपको मिलेगी नोट और सिक्कों की, रियल प्राइस क्या है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपसे बात करके आपके नोट और सिक्के खरीद सकूं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, ये नोट और सिक्के मैं खुद खरीदूंगा, न तो किसी भी प्रकार के बायर के नंबर दूंगा, न ही मैं आपको किसी भी प्रकार के कॉइन एग्जीबिशन शो के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद खरीदता हूँ। मैं हर गाँव में जाकर पुराने नोट और सिक्कों को खरीदता हूँ और साथ ही दोस्तों शहरों में भी जाकर नोट और सिक्के खरीदता हूँ। जो बड़े मैं आपसे नोट और सिक्के खरीद कर जैसे कि बड़े बड़े म्यूजियम में जाकर बेचता हूँ। जैसे आपको पता ही है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली ऐसे शहरों में बड़े बड़े म्यूजियम लगे हुए होते हैं जहाँ पर बहुत सारे देश के बायर आते हैं और अपने नोट और सिक्के बेच कर जाते हैं। दोस्तों वहां पर अगर आप डायरेक्ट नोट और सिक्के लेकर जाओगे म्यूजियम में, गाँव से जाएगा या फिर शहर से जाएगा, तो वहां पर नोट और सिक्के बेचने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि वहां पर म्यूजियम में डायरेक्ट नोट और सिक्के नहीं खरीदे जाते। जितने भी आप लेकर जाओ वो भी आपके नोट और सिक्के नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग नियम बने हुए होते हैं कि किस प्रकार आपको नोट और सिक्के बेचने हैं और किस प्रकार। अगर बाई चांस आप जा ही सकते हैं या फिर आप कभी जाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे नियम बता दूंगा जिससे आपके नोट और सिक्के भी आसानी से बिकेंगे। अगर आप नजदीक में हैं और मुझे आप नोट और सिक्के नहीं बेच पाओगे तो दोस्तों आप म्यूजियम में जाकर भी बेच सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप म्यूजियम में बेच सकते हैं आसानी से। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं नोट और सिक्कों की कुछ प्राइस के बारे में और साथ ही दोस्तों कैसे नोट और सिक्के बिकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास 786 वाली नोटें हैं, साथ ही दोस्तों आपके पास जो इंदिरा गांधी वाले सिक्के और माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, 5 रुपए ट्रैक्टर वाली नोट, साथ ही दोस्तों 500 रुपए या 1000 रुपए की नोटें, तो दोस्तों ऐसी नोटें आपके पास है तो वो नोटें आपकी यहाँ पर मैं खुद खरीदूंगा और किसी भी म्यूजियम में जाकर आप बेच सकते हैं। तो वो बेचने के लिए और आप म्यूजियम में जाने के लिए दोस्तों म्यूजियम में, दो म्यूजियम का मैं एड्रेस दूंगा जहां पर आप अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं और साथ ही दोस्तों मैं मेरा भी कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप मुझे भी नोट और सिक्के बेच सकते हैं और कुछ मैं नियम भी आपको बता दूंगा। दोस्तों पहला है जो मुंबई के सबसे बड़े म्यूजियम के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा दोस्तों कलकत्ता का सबसे बड़े म्यूजियम के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने नोट और सिक्के वहां पर बेच सको। दोस्तों ऐसे अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए और आपके किसी भी प्रकार के दोस्त या फिर भाई बंधु के पास नोट और सिक्के है तो आप ये नंबर जरूर दे दीजिएगा जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, उन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके आप अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को अगर स्किप कर दिया या फिर आगे पीछे करके देखा तो दोस्तों मैं वीडियो में कहीं पर भी बीच में मेरा नंबर दे सकता हूँ, मेरा एड्रेस दे सकता हूँ और आपको बड़े बड़े म्यूजियम का भी एड्रेस दूंगा, नियम भी दूंगा जो एक लिस्ट के साथ मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको मिलेंगे नहीं। दोस्तों इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे तो वो लिस्ट मिल जाएगी, आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं आपका कम समय लेते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल ऑप्शन में मिल जाएगा और इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लेना ताकि हमें चैनल पर जैसे ही अगले डिमांडो के नोट और सिक्कों के वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने नोट और सिक्के मुझे बेच सके। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यहाँ से एक लाइक भी कर लेना, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लाइक करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने लोगों के पास नोट और सिक्के हैं जो बेचना चाहते हैं। जो लोग नहीं बेचना चाहते वो वीडियो कभी लाइक करते नहीं है, जिनको बेचना है वो वीडियो लाइक कर देना और आपके नोट और सिक्के मैं खरीद लूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने नोट और सिक्के कितने हैं हमें बताने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सी नोट और सिक्के और कितने नोट और सिक्के आप बेचना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट एक नजर आ रहा है, मेरे पास 5 रुपए कॉइन है और यहाँ पर ये बेचना चाहते हैं तो इनसे मैंने जस्ट ही बात की है और इनके
नोट और सिक्के मैं जल्दी खरीदने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा, आपसे मैं बात करके आपको भी नोट और सिक्के बिकवा सकता हूँ, आपके नोट और सिक्के मैं खरीद। इसके अलावा अगर आपके पास इस प्रकार की 100 रुपए की नोट है, जी हाँ दोस्तों आपने एकदम सही सुना है, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी 100 रुपए की नोट लेकर आया हूँ। अगर ऐसी नोट आपके पास पाई जाती है या फिर आपके किसी भी भाई बंधु के पास पाई जाती है तो आप ये नोट मुझे बेच सकते। दोस्तों ये नोट है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है और इसके ऊपर अशोक स्तंभ का फोटो भी है, 100 रुपए लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों गवर्नर के सिग्नेचर होने जरूरी है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो 100 रुपए भारत के 8 भाषाओं में लिखे हुए, जैसे कि तमिली भाषा में, गुजराती भाषा में, राजस्थानी भाषा में और यहाँ पर साथ ही मराठी भाषा है, जैसे इस प्रकार के 8 भाषाओं में यहाँ पर लिखा हुआ है। पंजाबी भाषा भी शामिल है इसमें दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको खाली जगह भी नजर आ रही, ऐसी अगर आपके पास 100 रुपए की नोट पाई जाती है या फिर अच्छी कंडीशन में है तो इसकी रियल कीमत आपको मिलेगी सिर्फ 1000 रुपए। अगर यहाँ पर जो आपके पास फट्टी कट्टी है या फिर पुरानी है, कुछ इस प्रकार की सड़ी हुई दिखाई दे रही है तो उसकी कीमत आपको यहाँ पर 5000 रुपए दिए जाएंगे। 5000 से कम आपको इसकी कीमत नहीं मिलेगी और ना आपको 1000 से ज्यादा मिलेगी। दोस्तों आप अगर ये नोट बेचना चाहते हैं तो आप मुझे ये नोट बेच सकते हैं और वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना होगा कि आपके पास ऐसी नोटें कितनी संख्या में, आपके पास अगर 100 रुपए की नोट है तो आप मुझे बेचना चाहते या नहीं चाहते तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपए की नोट, जो 1000 रुपए की नोट है जो 2016 में बैन हुई थी और यहाँ पर गवर्नर के सिग्नेचर भी आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। महात्मा गांधी का फोटो भी है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर वाटरमार्क का चिन्ह है, जैसे कि खाली जगह एकदम साफ आपको नजर आ रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपए लिखा हुआ है और इस टाइप की यहाँ पर पट्टी लगी हुई है। दोस्तों इस पट्टी वाले आपके पास जितने भी नोट है और जितने भी आपके पास 500-1000 रुपए की नोटें पाई जाती है तो आप मुझे बेच सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई दूंगा और आपसे बात करूंगा और आपसे नोट और सिक्के खरीदूंगा। दोस्तों जितना जरूरी आपको अपने नोट और सिक्के बेचने का होता है उतना ही जरूरी मुझे आपके नोट और सिक्के खरीदने होता है, क्योंकि मैं भी पैसों के लिए आपके नोट और सिक्के जो खरीदता हूँ और आप भी पैसों के लिए अपने नोट और सिक्के बेचते हैं। तो इसकी जो कीमत है आपको 1000 रुपए और 500 रुपए की जो कीमत आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 1200 रुपए एक नोट की कीमत। दोस्तों यहाँ पर अच्छी कंडीशन में या फिर नॉर्मल कंडीशन में तो भी यहाँ पर 1200 रुपए आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आप ये नोट मुझे बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं 5 रुपए का अशोक स्तंभ के फोटो वाला सिक्का। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ से क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि दोस्तों जो आपके पास 5 रुपए का सिक्का है जिसके दूसरी तरफ इस प्रकार से अशोक स्तंभ का फोटो और सत्यमा जयंती लिखा हुआ है, इंडिया और भारत, और इस डिजाइन वाला आपके पास सिक्का पाया जाता है तो दूसरी तरफ देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सिक्का मैं खरीदता हूँ और इसकी डिमांड भी अच्छी चल रही है और ऐसे सिक्कों की बहुत सारे लोगों की मांग है कि ऐसे सिक्के लेकर आओ। बड़े बड़े म्यूजियम में भी लोग मांग करते हैं कि 5 रुपए के अशोक स्तंभ के फोटो वाले सिक्के लेकर आओ। तो ऐसे सिक्के आपके पास है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपसे ये सिक्के खरीद सकूं और इसकी कीमत आपको यहाँ पर 7000 रुपए दी जाएगी, जो यहाँ पर मैं खुद आपको दूंगा। तो चलिए यहाँ पर मेरे नंबर आप नोट कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है जो मेरे चालू है, मैं आपके जो आप कॉल करोगे तो आपकी कॉल भी मैं रिसीव करूंगा और जो रिप्लाई है वो भी हाथों आ दूंगा। तो आप ध्यान से पहले नंबरों को नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 7727849347। दोस्तों ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, दोस्तों ये मेरे रियल नंबर है, मेरे खुद के पर्सनल नंबर जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझे बात कर सकते हैं और आप अपने नोट और सिक्कों के फोटो भी भेज सकते हैं और ये नंबर मेरे हमेशा चालू रहते हैं और कभी भी आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और आप अपने नोट और सिक्के भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे है यहाँ पर 50 रुपए के इस टाइप की नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई, लेकिन दोस्तों उससे पहले नंबरों से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगर आपने आगे एक छोटी सी प्रोसेस है जिनको फॉलो नहीं किया तो दोस्तों आपकी कॉल नहीं लगेगी। कॉल करने के लिए आपको एक मैं प्रोसेस दूंगा जिसे आपको फॉलो करना होगा, तभी मैं आपकी कॉल को अटेंड करूंगा और नंबर जो रिसीव भी करूंगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो 50 रुपए की नोट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई और इस प्रकार की डिजाइन वाली, अशोक स्तंभ के फोटो वाली और यहाँ पर खाली जगह भी है, ऐसी नोट अगर आपके पास पाई जाती है तो इसकी कीमत आपको 7500 रुपए दी जाएगी, जो कि 7500 रुपए इसकी कीमत दी जाएगी। तो
दोस्तों चलिए आगे चलते एक छोटी सी प्रोसेस की ओर, वो प्रोसेस क्या है देख लेते हैं और किस प्रकार आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रोसेस फॉलो करने के जस्ट बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे आप कॉल करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे और जो आपने प्रोसेस को फॉलो किया है वही नंबर आ जाएंगे, तो ही मैं कॉल रिसीव करूंगा कि आपके नोट और सिक्के रियल में बेचने, इसलिए आपने प्रोसेस को भी फॉलो किया है और मुझे भी कॉन्टेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए चलते वो प्रोसेस क्या है देख लेते हैं और किस प्रकार आपको नोट और सिक्के बेचने। तो दोस्तों पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए और मेरे से व्हाट्सएप पर बात करने के लिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो का टाइटल आपको दिख रहा है, ये वीडियो जो आप देख रहे हो यही वीडियो, वीडियो को टाइटल के पास में तीर का निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली दोस्तों उस पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आपको करना है। वहां पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में इस प्रकार से एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर में ये ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप अपने नंबर देते हो तो आपके नंबर हमारे पास में आ जाते हैं और हम आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज देते हैं। और फिर बाद में जैसे पीछे लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया है ऐसे आप भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यहां पर अलग अलग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, मैं हिंदी कर लेता हूं, हिंदी कर ली। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा एप्लीकेशन, सिंपली आपको कर देना। नीचे आपको ऐसे आना है, सिर्फ फोन पे लॉग इन करना है, जैसे दिख रहा है फोन पे करने के बाद में आपको अपने यहां पर नए नंबर देने हैं। दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आपने प्रयास ये पहले भी कर रखा है, इसमें नंबर दे रखे हैं तो आपके नए नंबर देने होंगे, आपके बहन के, आपके भाई के या फिर आपके पिता के। जैसे ही नंबर दोगे तो आपके नंबर हमारे पास में आ जाएंगे, हम आपसे तुरंत संपर्क कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे डाउनलोड करो, अपने नए नंबर दो। जय हिंद।